जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। डीएसपी ने किया लंबित कांडों की समीक्षा, दिए कई दिशा निर्देश। अपराध नियंत्रण के साथ लंबित कांडों की समीक्षा के लिए जयनगर थाने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जयनगर थाना के विभिन्न पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। डीएसपी विप्लव कुमार ने लंबित कांडों के साथ अपराध नियंत्रण की समीक्षा करते वारंटियों की धरपकड़ तेज करने, लंबित कांडों का निष्पादन शीघ्र करने के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का सख्त हिदायत दिया। साथ ही थाना परिसर में डीएसपी विप्लव कुमार की मौजूदगी में चौकीदार परेड आयोजित की गई। इस दरमियान सभी चौकीदारों को डीएसपी ने निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में शराब कारोबारियों पर विशेष ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है तो फौरन थाना पुलिस को सूचित करें, अविलंब कार्रवाई की जाएगी। चौकीदारों से कहा कि गांवों में आपराधिक व वांछित लोगों पर नज़र रखने के लिए चौकीदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आप सभी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्यों का निर्वहन करें ताकि अपराधियों व वांछित लोगों पर आसानी से अंकुश लगाया जा सके। शराब कारोबारियों पर विशेष निर्देश देते हुए डीएसपी ने कहा कि किसी भी चौकीदार के क्षेत्र में शराब का धंधा नहीं होनी चाहिए, शराब कारोबारियों पर विशेष ध्यान रखें ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। इस मौके पर जयनगर के थाना अध्यक्ष अनूप कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। लंबित कांडों का समीक्षा किया गया, जो भी नए पदाधिकारी बदलकर दूसरे जिलों से आए हैं उनको कांड का प्रभार देने के बारे में निर्देशित करते हुए निर्देश दिया गया ताकि जो है लंबित मामलों में जो काम बाकी है, गिरफ्तारी हो, वारंट हो, कुर्की हो, इसके बारे में निर्देशित किया गया। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको जो है विशेष रूप से लागू कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। अभी जो शराब के मामले में जो अभियान चल रहा है बॉर्डर थाना के अंतर्गत जो भी है उस पर जो है आसूचना संकलन करने के लिए जो है चौकीदारों का भी चौकीदारी परेड कराया गया। अपने महाल क्षेत्र में आसूचना संकलन कराइए और जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए और जो भी शराब कारोबारी हैं, माफिया हैं, उनके बारे में सूचना देकर कार्रवाई करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया चौकीदारी परेड। और आज जो है शबे बारात का भी ये है, उसके लिए भी जो है आज पदाधिकारियों को जगह जगह चिन्हित जगहों पर जो है प्रतिनियुक्त किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से शबे बारात का ये त्यौहार जो है मनाया जा सके। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो भी पुलिस मुख्यालय का निर्देश है वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है उसके लिए हम लोग बॉर्डर पर लगातार गश्ती जो पारामिलिट्री फोर्स है एसएसबी और कस्टम्स वगैरह उनके साथ समन्वय बिठाकर आसूचना संकलन कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की बात की गई है, रात्रि गश्ती बढ़ाने की बात की गई है और साथ ही साथ बॉर्डर पर नाका लगाकर जो है हम लोग जो कार्रवाई करते हैं उसको भी हम लोग निर्देशित किए हैं आज की बैठक। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।